नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल मेल गुरु जी में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ का, पहला लेक्चर। इस नई सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम आपको ज़्यादा हाई फाई नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स क्या होता है? सबसे पहले फिजिक्स सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एनर्जी और मास के बीच आपसी रिलेशन के स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लगा E=mc2। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है ना, यही सब कुछ फिजिक्स है। और हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे कि एनर्जी तथा मास के बीच आपसी रिलेशन की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम के बारे में। हम बेसिकली चार तरह के मेजरमेंट सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS, चौथा है SI। अब ये FPS क्या है? ये जब हमारे देश पर कई सारी देशों ने राज्य किया था, उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य था ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की तरफ से एक ये सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम निकाला गया कि ये लोग लंबाई को फुट में नापते थे, मास को पाउंड में नापते थे और टाइम को सेकंड में नापते थे। ठीक है, तो एफ से हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, हम इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी आती है सीरियस।
सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एन एस फॉर सेकेंड। यह फ्रेंच द्वारा दी गई थी। इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी आपकी है एम के एस। एम फॉर मास, मीटर। के फॉर किलोग्राम। एस फॉर सेकेंड। इसको व्यावसायिक पद्धति कहते हैं। इसको व्यावसायिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन सब अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम बना लिए, लेकिन 1971 में फ्रांस की राजधानी में पेरिस में मेजरमेंट डिपार्टमेंट में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसमें एक निर्णय लिया गया कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए, कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पूरे विश्व में एक ही हो, ठीक है। इसी को नजर में रखते हुए 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें यह देखा गया कि एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो पूरे विश्व में काम करे। तो हमने एमकेएस पद्धति को ही अपडेट कर दिया और हमने एक बना दिया एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक पहला पहले के अंदर आती है बेसिक यूनिट, और दूसरे के अंदर आती है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये बेसिक यूनिट क्या होती है? इसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं, इसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। ये टोटल 7 तरह के 7 होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। जिसमें नंबर एक पर आती है लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल। दूसरे नंबर पे आती है मास। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। इसको डिनोट करते हैं केजी से। इसकी डायमेंशन होती है एम। तीन पर आता है टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। इसकी डायमेंशन होती है टी। फिर आता है टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन।
इसको हम डिनोट करते हैं के से, इसका डायमेंशन होता है के। इसके बाद करेंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं ए से, इसकी डायमेंशन होती है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला, इसकी डेरिवेशन डायमेंशन होती है सी। सात नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, इसको डिनोट करते हैं मोल से ही, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब दोस्तों अब हम निकालना सीखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है वी, सो बोलते हैं स्पीड, स्पीड की डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसका फॉर्मूला मालूम होगा जब भी आप उसकी डायमेंशन निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें स्पीड की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो स्पीड की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिसको डिनोट करते हैं डी से, डी अपॉन टी। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यूनिट, लेकिन हमें बात करनी है डायमेंशन की। मीटर की डायमेंशन होती है एम, सॉरी, मीटर की डायमेंशन होती है एल, और सेकंड की डायमेंशन होती है टी। लेकिन डायमेंशन का एक रूल होता है, नीचे डिनोमिनेटर में डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन हमेशा न्यूमिनेटर न्यूमरेटर में होती है ना। डायमेंशन का डिनोमिनेटर हमेशा वन होता है, इसीलिए मान लीजिए नीचे टी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस टी, एल टी माइनस वन, जो क्या स्पीड की डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपसे एक्सीलरेशन की टाइम पूछी जाए, सबसे पहले एक्सीलरेशन की निकालने का आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होना मालूम होना चाहिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का हमने आपको भी बताया था क्या होता है। चलो ठीक है, नहीं मालूम तो हम आपको बताएं, वेलोसिटी का डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और टाइम की होती है टी। अब एक टी नीचे जाए ऊपर जाके हो जाएगा तो माइनस टी, माइनस टी माइनस टी, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, अब ऐसे ही हम फोर्स का निकालेंगे। अब
फोर्स की टर्म से निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम की डायमेंशन होती है एम, और एक्सीलरेशन का हमने निकाला था भी एल टी माइनस टू, तो फोर्स की क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, हमने यूनिट डायमेंशन सीखा, हमने मेजरमेंट सिस्टम सीखा, कितने तरह का मेजरमेंट सिस्टम होता है, FPS, CGS, MKS, SI। उसके बाद हमने सीखा FPS को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, और हमने सीखा CGS को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, उसके बाद MKS, उसके बाद SI सिस्टम। SI सिस्टम कितने तरह का होता है, दो तरह का, बेसिक फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट 7 तरह की होती हैं, और जिसमें कौन कौन सी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इनकी यूनिट्स होती हैं और उनकी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, और हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, इनकी डायमेंशंस निकालना भी सीखा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे रेलवे से जुड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।